आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डील करेंगे कंसिलिएशन से। कंसिलिएशन, अपने अब तक के वीडियोस में हमने आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉरेन अवार्ड, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात किया है। आज से हम कंसिलिएशन को शुरू करेंगे। तो पार्ट थ्री बेसिकली डील करता है कंसिलिएशन से, और जो सेक्शंस हैं जो कंसिलिएशन में आते हैं वो स्टार्ट होते हैं सेक्शन 61 से लेकर के 81 तक। तो क्या हमें इन सभी सेक्शंस को पढ़ना है? नॉट एट ऑल। हमें कुछ सेक्शंस को ही पढ़ना है जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को देखूं, तो एक सेक्शन 61, दूसरा 62, 63, 64, 67 और एक है आपका 69 और 76। यानी अगर आप कंसिलिएशन में इन सेक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाते हो तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इन्हीं सेक्शन से आएंगे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर लूँ, कंसिलिएशन में आपको सेक्शन 61, 62, 63, 64, 67 और 65 और लास्ट में है 76। 65 और 76, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप इन 7 सेक्शंस को कवर कर लेते हो तो आप अपने आप में कंसिलिएशन के हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लोगे जहां से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 61, 62 और सेक्शन 63, इन तीन सेक्शंस को कवर करेंगे, 61, 62, 63, राइट। चलिए देखो, व्हाट इज कंसिलिएशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडीआर को देखा, जिसमें हमने आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत, नेगोशिएशन, इन पांच काइंड्स को जब हमने पढ़ा था तो उसी में से हमने कंसिलिएशन भी पढ़ा था। यानी कंसिलिएशन क्या है? तो कंसिलिएशन बेसिकली एक मोड ऑफ एडीआर है। इट इज अ मोड ऑफ एडीआर। और ये जो आपका एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, अपने आप में दो तरह के मोड्स ऑफ एडीआर के ऊपर है, एक आर्बिट्रेशन और दूसरा कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का जो पार्ट थ्री है और सेक्शन 61 से लेकर के 81 तक के जितने प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं कंसिलिएशन से। तो व्हाट इज कंसिलिएशन? इट इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ एडीआर। प्रोविजंस रिगार्डिंग कंसिलिएशन हैज बीन गिवन अंडर पार्ट थ्री सेक्शन 61 to 81। सेक्शन 61 डील करता है एप्लीकेशन एंड स्कोप से, 62 डील करता है कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से, और सेक्शन 63 डील करता है नंबर ऑफ कंसिलिएटर से। हमारे इस एक्ट में कहीं भी कंसिलिएशन को डिफाइन नहीं किया गया है, राइट। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम जानने की कोशिश करें कि कंसिलिएशन क्या है,
दोस्तों कंसिलिएशन बेसिकली एक मेथड है ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स वेयर इन एन इंडिपेंडेंट पर्सन हेल्प्स पार्टीज टू अराइव म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो कंसिलिएशन बेसिकली एक मोड है ADR का, जिसमें पार्टीज एक इंडिपेंडेंट पर्सन का हेल्प लेती हैं, जो उन्हें हेल्प करता है इन म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। यानी वो इंडिपेंडेंट पर्सन उन दोनों ही पार्टीज को हेल्प करता है कि वो अपने डिस्प्यूट्स को म्यूचुअली सेटल्ड कर ले, राइट। आर्बिट्रेशन में हमने ये जाना था कि आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन देगा वो डिसीजन पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, लेकिन कंसिलिएटर के डिसीजन को मानने के लिए पार्टीज आर नॉट बाउंड, पार्टीज बाउंड नहीं है। तो कंसिलिएशन में जो इंडिपेंडेंट पर्सन पार्टीज को हेल्प करता है इन रीचिंग amicable settlement of disputes between them, उस independent person को हम कहते हैं conciliator, और जो भी decision वो देगा वो parties के ऊपर binding नहीं है। यानी it is up to the parties कि parties उसके recommendations को माने या ना माने। Why parties are not bound? क्योंकि conciliator कोई decision नहीं देता है, conciliator parties को help करता है, recommendations देता है, एक रास्ता दिखाता है, right? Parties are free to accept or deny the recommendations of conciliator. अब हमने ये जाना कि आर्बिट्रेशन में हम अपने एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा सकते हैं, लेकिन कंसिलिएशन में पार्टीज केवल और केवल अपने एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स को ही रिजॉल्व करा सकती हैं। तो एक ये भी डिफरेंस है। कंसिलिएशन के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होते हैं, और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स लेस फॉर्मल होता है देन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन लेस फॉर्मल होता है देन ट्रायल, राइट। तो दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ कंसिलिएशन। इसमें आप लिखोगे कंसिलिएशन इज बेसिकली अ मोड ऑफ ADR वेयर एन independent person helps the parties in reaching amicable settlement of disputes. Here conciliator does not give any decision but gives recommendations to the parties. Parties are free to accept or deny the recommendations of conciliator. तेज तेज हवा चल रहा है तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तेज बोलूँ, ठीक है। तो ये है कंसिलिएशन। अब आप अपने बेरक में इन तीन सेक्शंस को देखोगे, सेक्शन 61, 62 एंड 63। सेक्शन 61 कहता है एप्लीकेशन एंड स्कोप, एप्लीकेशन एंड स्कोप। एप्लीकेशन एंड स्कोप क्या कहता है, कंसिलिएशन शैल अप्लाई टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप
whether contractual or not and to all proceedings relating thereto. हम conciliation का use तब करेंगे जब जो subject matter है of dispute is settled by conciliation, वो conciliation से settle हो जाए. और arbitration की तरह ही हम conciliation का भी use करते हैं in resolving the dispute arising out of legal relationship between parties, whether contractual or not. फिर चाहे वो legal relationship arise होता हो because of contractual relationship or non-contractual relationship. तो what is the scope of conciliation? यहाँ आप लिखोगे कि conciliation shall apply to all those disputes which arises because of legal relationship between parties, bracket में contractual or non-contractual, and to all proceedings thereto. उन सभी subject matters पर conciliation applicable है जो कि settled हो सकते हैं conciliation के द्वारा. और दूसरा क्या कहता है, this part shall not apply where by virtue of any law for the time being in force certain disputes may not be submitted to conciliation. तो दूसरा पैरा ये कह रहा है कि उस पर्टिकुलर समय में जहाँ जिस समय पर जिस डेट पर डिस्प्यूट अराइज हुआ है बिटवीन द पार्टीज और दे आर अग्रीड टू सेटल दियर डिस्प्यूट थ्रू कंसीलिएशन, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का वो उस समय किसी पर्टिकुलर लॉ में ये कहा गया है कि दैट सब्जेक्ट मैटर इज नॉट टू बी सॉल्व थ्रू कंसीलिएशन, तो उस सब्जेक्ट मैटर को कंसीलिएशन के थ्रू या उस डिस्प्यूट को कंसीलिएशन के थ्रू पार्टीज सेटल नहीं कराएंगे. यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट में या किसी स्टैट्यूट में ये कहा गया है कि दिस सब्जेक्ट मैटर और दिस डिस्प्यूट इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व थ्रू कंसीलिएशन और पार्टीज के बीच जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो उसी नेचर का है तो वो कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कराया जाएगा. राइट, तो ये है एप्लीकेशन एंड स्कोप. दूसरा है सेक्शन 62 क्या कहता है, कमेंसमेंट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स. Now, किस तरह से कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स को कमेंस किया जाएगा, किस तरह से कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाएगा कंसीलिएटर के द्वारा, आइए समझते हैं. क्या कह रहा है, पार्टी इनिशिएटिंग कंसीलिएशन शैल सेंड टू अदर पार्टी अ रिटन इनविटेशन to conciliate under this part briefly identifying the subject of dispute. तो जो पार्टी अपने डिस्प्यूट को कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व कराना चाहती है उस पार्टी को दूसरे पार्टी को रिटन इन्विटेशन देना होगा कि I want this dispute to be resolved through conciliation. और उस written invitation में subject matter of dispute को भी disclose करना होगा. तो this is the first process. क्या है process? कि
जो पार्टी अपने डिस्प्यूट को कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व करना चाहती है, सपोज पार्टी ए चाहती है कि उसका जो डिस्प्यूट है, जो दो पार्टीज के बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उस डिस्प्यूट को कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व कराया जाए, तो पर्सन ए को पर्सन बी को एक रिटन इनविटेशन सेंड करना होगा कि मिस्टर ए वांट्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी टू बी सॉल्व थ्रू कंसीलिएशन, और उस रिटन इनविटेशन में सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट को भी डिस्क्लोज करना होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा क्या है, कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स शैल कमेंस व्हेन अदर पार्टी, अब लग रहा है एकदम सुबह सुबह होते ही वीडियोस बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत चलिए। दूसरा प्रोसेस क्या है, कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स शैल कमेंस व्हेन अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इन राइटिंग द इनविटेशन टू कंसीलिएट। अब प्रोसेस वन कंप्लीट, अब प्रोसेस टू, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय अदर पार्टी इन राइटिंग। तो राइटिंग में अदर पार्टी अपना एक्सेप्टेंस देगा कि वो एक्सेप्ट करता है कि इस डिस्प्यूट को वो कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व कराने में रेडी है। तो देयर मस्ट बी इनविटेशन ऑफ ऑफर फ्रॉम वन पार्टी एंड एट द सेम टाइम देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फ्रॉम द अदर पार्टी रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू कंसीलिएशन। तीसरा प्रोसेस, इफ द पार्टी rejects the invitation, there will be no conciliation proceedings. और अगर party invitation को reject कर देती है तो dispute conciliation के through resolve नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, point 4 या last procedure क्या कहता है, if the party initiating conciliation does not receive a reply within 30 days from the date on which he sends invitation, तो last process कहता है कि जिस particular date पर एक party ने invitation send किया था दूसरे party को, उस particular date से लेकर के within 30 days 30 दिनों के अंदर अंदर अगर दूसरे पार्टी का रिप्लाई नहीं आता है और विद इन सच अदर पीरियड ऑफ टाइम एज स्पेसिफाइड इन द इनविटेशन, या इनविटेशन ऑफर में जो टाइम डिसाइड किया था, जो टाइम लिमिट ए ने डिसाइड किया था कि इतने दिन के अंदर आपको अपना रिप्लाई दे देना है, whether you want your dispute to be resolved through conciliation or not, तो वो टाइम लिमिट भी बीत चुका है। He may elect to treat this as rejection of invitation to conciliate, and if so elects, he shall inform in writing the other party accordingly। यानी तीसरे प्रोसीजर को अगर हम देखें कि जो दूसरा पार्टी है वो इनविटेशन ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है और 30 दिन बीत चुका है, या इनविटेशन ऑफर में जो टाइम लिमिट ए ने डिसाइड किया था कि बी आपको इतने दिनों के अंदर अपना एक्सेप्टेंस देना है राइटिंग में कि आप इन डिस्प्यूट्स को जो आपके और मेरे बीच है उसे कंसीलिएशन के थ्रू रिजॉल्व कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, तो अगर आप उस इनविटेशन ऑफर में जो टाइम लिमिट डिसाइडेड है उसके अंदर अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं देते हो, या जिस दिन इनविटेशन ऑफर सेंड किया गया उस दिन से विद इन 30 डेज आप रिप्लाई नहीं देते हो,
इन राइटिंग, तो इसे रिजेक्शन ऑफ इनविटेशन समझा जाएगा। और अगर द पार्टी हु इज गोइंग टू गिव इनविटेशन ऑफर इसे रिजेक्शन कंसीडर करती है, तो फिर से इस पार्टी को रिटन रिप्लाई देना होगा या बी को दूसरे पार्टी को इन्फॉर्म करना होगा कि उसके पार्ट से इस पार्टी ने, क्योंकि उसका रिप्लाई विद इन टाइम लिमिट नहीं आया तो इसने उसे रिजेक्शन मान लिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कमेंसमेंट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स। आई होप कि जो सेक्शन 62 है विच टॉक्स अबाउट कमेंसमेंट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ लास्ट सेक्शन, सेक्शन 63, जो कि कहता है नंबर ऑफ कंसीलिएटर। नंबर ऑफ कंसीलिएटर, देयर शैल बी वन कंसीलिएटर अनलेस द There shall be one conciliator unless the parties agree that there shall be two or three conciliators. So, if it is decided between the parties, अगर parties के बीच ये पहले ही decide हो गया है कि कितने conciliators होंगे, then it is good. लेकिन अगर parties के बीच पहले से decided नहीं है how many conciliators will decide their disputes, कितने conciliators उनके disputes को decide करेंगे, if number of conciliators have not been decided by the parties, तो वैसे cases में there shall be one conciliator. अब एक और बात समझो, arbitration में हमने ये जाना कि आर्बिट्रेटर्स जो भी डिसीजन देता है वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है और नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हमेशा ऑड में होगा इन ऑर्डर टू रीच द मेजॉरिटी जजमेंट। तो आर्बिट्रेटर्स का नंबर हमेशा ऑड में होगा, लेकिन कंसीलिएटर्स के केस में ऐसा नहीं है। कंसीलिएटर्स का नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, क्योंकि कंसीलिएटर कोई डिसीजन नहीं देता है, कंसीलिएटर्स पार्टीज को असिस्ट करता है, पार्टीज को हेल्प करता है कि भाई आपसी समझ से म्यूचुअली आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लो। तो कंसीलिएटर केवल उन्हें एक रास्ता दिखाता है। इन केस देयर इज मोर देन वन कंसीलिएटर दे शैल एक्ट जॉइंटली, तो अगर एक से ज़्यादा कंसीलिएटर हैं तो उन सभी कंसीलिएटर्स को एक साथ जॉइंटली एक्ट करना होगा। ठीक, तो ये था कंसीलिएशन और सेक्शन 61, 62 एंड 63। अब अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम इन बचे हुए सेक्शंस को कवर करेंगे और एट लास्ट हम PIL के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे डिटेल में। तो ये चार सेक्शंस और PIL कंप्लीट होने के बाद आपका जो ADR है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिए होंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो इस एफर्ट्स को देखते हुए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।